गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से एक नया विषय पढ़ेंगे, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का अर्थ होता है अनसीन पैसेज, ऐसा पाठ्यक्रम जो आपने आपके निर्धारित पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ा है, जो भी आपके CBSE द्वारा जो पाठ्यक्रम लगाया गया है उस पाठ्यक्रम में आपने इसको नहीं पढ़ा हो, ये आपके सिलेबस से बाहर का होता है। मतलब आपकी पाठ्य पुस्तक से इसमें से कुछ भी नहीं आता है। मतलब अपठित का अर्थ होता है जो आपने पढ़ा नहीं हो, और गद्यांश का मतलब होता है कहानी, मतलब कहानी के रूप में लिखा गया एक अनुच्छेद या पैराग्राफ। देखो, अपठित का अर्थ होता है पूर्व काल में न पढ़े गए विषय को पढ़कर स्वयं जानना और समझना। मतलब आपने पहले इस विषय के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा हो और बाद में इस विषय को पढ़कर अगर आप स्वयं जान रहे हो, समझ रहे हैं, तो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। इन्हें अपठित अवबोध भी कहा जाता है। परीक्षा में इन गद्यांशों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इस प्रकार विद्यार्थियों को जानने समझने की उनकी योग्यता की परीक्षा ली जाती है कि वो किस प्रकार से बिना पढ़े भी एक मतलब एट द मोमेंट एग्ज़ाम के टाइम उस पैराग्राफ को पढ़कर उसमें से क्वेश्चंस को निकाल कर उसके आंसर्स वो खुद दे सके, इस तरह की उनकी समझ को परिपक्व बनाया जाता है। ये गद्यांश संबंधित कक्षा के पाठ्य पुस्तकों से उद्धृत नहीं होते हैं, ये कहीं से भी लिए जा सकते हैं एवं किसी भी विषय पर आधारित हो सकते हैं। विद्यार्थी स्वयं किसी विषय को पढ़कर कितना समझ सकते हैं तथा उनका भाषा पर कैसा और कितना अधिकार है, मतलब आंसर्स जो लिखने का जो तरीका होता है वो कैसा होना चाहिए, इस प्रकार की जो समझ है वो इसी अपठित गद्यांश के माध्यम से ही समझी जा सकती है। यह अपठित गद्यांश, मतलब यह अपठित गद्यांश जो है इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों का पता चलता है। परीक्षक इसी क्षमता का मूल्यांकन करते हैं कि विषय वस्तु का बोध और भाषिक विशेषताओं पर अति लघुतरात्मक और प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब अति लघुतरात्मक प्रश्न भी और लघुतरात्मक प्रश्न भी इसमें पूछे जा सकते हैं। इसमें विद्यार्थी की सोच समझ, इनकी भाषा शैली और विषय वस्तु का किस प्रकार से इनको ज़्यादा ज्ञान है अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको आंसर्स लिखना सही तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये इसी गद्यांश के माध्यम से समझ सकते हैं। गद्यांश को लिखते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें, उसका अर्थ और भाव हृदयंगम करें, मतलब उसके अर्थ और भाव को समझें, हृदय में उतारें, उसे समझें कि ये गद्यांश किसके बारे में कहा जा रहा है और इसका मूल रूप, मूल स्वरूप क्या है। गद्यांश के मुख्य विचारांशों पर को रेखांकित कीजिए। मतलब आप जब भी गद्यांश को पढ़ते हैं तो पढ़ते समय आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए और जो भी मुख्य मुख्य बात है, जो भी मुख्य मुख्य विचार है, उनके अंशों को आप रेखांकित करते चले जाइए, ताकि जब भी आप प्रश्न पढ़ें तो वो जो रेखांकित किए हुए शब्द हैं वो हाईलाइट होंगे, तो आपको उत्तर ढूंढने में आसानी होगी, आंसर ढूंढने में आसानी होगी। गद्यांश का मूल भाव जो का त्यों बनाए रखते हुए उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। गद्यांश का जैसे भी मूल भाव है वो आपको जो का त्यों लिखना है, उसे अपने शब्दों में नहीं लिखना है, लेकिन जो प्रश्नों के उत्तर हैं उन्हें अपने शब्दों में एक तार्किक भाषा में, मतलब जिस प्रकार की जो भाषा है, भाषा शैली जो है वो प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, शिष्टपूर्ण होनी चाहिए, भाषा की जो विशेषताएं हैं उनके आधार पर आपको उत्तरों को लिखना होता है। शीर्षक ऐसा रखें जो उचित, छोटा और गद्यांश के केंद्र बिंदु को प्रकट करने वाला हो। अगर आपसे पूछा जाए कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, तो सबसे पहली बात तो शीर्षक छोटा होता है, जो टाइटल होगा वो छोटा होगा, और गद्यांश के केंद्र बिंदु, जो गद्यांश जिस पर लिखा है उसी के उसके ऊपर ही वो शीर्षक आधारित होना चाहिए। गद्यांश पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर गद्यांश के आधार पर ही लिखें। अपने विचार प्रकट करने की आवश्यकता है, मतलब गद्यांश के जो भी उत्तर हैं वो गद्यांश के आधार पर ही लिखने हैं, लेकिन उसे अपनी भाषा में लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उन्हें भी आप अपने शब्दों में लिख दें, ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि
इस शब्द के लिए ये शब्द भी बहुत उपयोगी हो सकता है तो उस शब्द को आप प्रयोग कर दें, ऐसा नहीं है। लेकिन उस गद्यांश की जो भाषा है उसको सरल तरीके से आप लिख सकते हैं, लेकिन उसके मुख्य विचारों को नहीं बदलना है। यदि प्रश्न में अपने विचार को व्यक्त करने के लिए कहा जाए तो संक्षेप में अपने विचार लिखें। अगर अति लघुतरात्मक का प्रश्न है तो अति लघुतरात्मक मतलब 2 से 3 लाइन में आंसर दीजिए, और लघुतरात्मक का है तो मुश्किल से 4-5 लाइन, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में ही दें, वाक्य छोटे छोटे बनाएं, संक्षेप का ध्यान रखें। सबसे पहली बात देखो, जहाँ पर भी लेखन वाला भाग आया है आपके, वहाँ पर यही है कि वाक्य आपको छोटे बनाने हैं, भाषा सरल भाषा का प्रयोग करें और सार गर्भित टू द पॉइंट बात लिखनी है आपको। ज़्यादा अटरम शटरम बातें आपको नहीं लिखनी है, हर बात सार गर्भित होनी चाहिए, सरल वाक्य होने चाहिए, छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए, भाषा का सरल प्रयोग होना चाहिए, प्रभाव में ही भाषा होनी चाहिए, ठीक है। शिष्टापूर्ण वाले, शिष्टाचारपूर्ण वाले शब्द आपको उसमें प्रयोग करने। शीर्षक की पहचान करने के लिए गद्यांश की प्रथम और अंतिम 2 पंक्तियों पर विशेष ध्यान दें। मतलब अगर जैसे आपको उपयुक्त शीर्षक अगर आपका पैराग्राफ है, उसे पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि गद्यांश की जो पहली पंक्ति है, पहली लाइन है वो, और अंतिम मतलब पहली लाइन से उसी गद्यांश के शीर्षक से ही शुरुआत होगी और अंतिम बात पे उसी का निष्कर्ष निकालते हुए उस गद्यांश को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो इस आधार पर आप शीर्षक की पहचान कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे? गद्यांश की प्रथम और अंतिम जो 2 पंक्तियां होती है, लास्ट की जो 2 लाइन होती है, उसे आप ध्यानपूर्वक पढ़कर गद्यांश का उचित छोटा शीर्षक और केंद्र बिंदु पर आधारित शीर्षक दे सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि गद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक से नहीं है, है ना, क्योंकि ये जो अपठित गद्यांश है ये आपकी आपके विषय में ना पढ़कर आपको इस प्रकार से दिया जाता है जो आपने कभी नहीं पढ़ा हो। ये किसी भी कक्षा के पाठ्य पुस्तक से उद्धृत किया जा सकता है। जैसे आप 9th में हैं तो 10th से भी आ सकता है, 8th मतलब आसपास की जो क्लास है उसी क्लास से ये लिया जा सकता है। तो आपका जो एक गद्यांश यहाँ पर एक उदाहरण है, ये सरकार के बारे में दिया है, है ना, तो इसके क्वेश्चन आंसर, फिर इसके क्वेश्चंस और आंसर हैं, इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके आंसर देखें। धन्यवाद।